बड़े निर्णय आपकी ओर से लिए गए। लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों ने वो भी देखा, अलग अलग जगहों पर लोगों को सहूलियत देने के लिए आपने कई बड़े और कड़े फैसले भी लिए हैं, लेकिन इन सब के बीच मेघालय जो कि टूरिज्म के रूप में भी एक बहुत बड़ा सेंटर है, वहां पर अभी स्थितियां उस तरीके की नहीं है जैसे कि पहले रहा करती थी। इसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए आगे का क्या है प्लान आपका, इस दिशा में क्या सोचा है आपने? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये क्राइसिस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी भी होता है। अभी इसको अगर हम लोग सही समय पर सही पॉलिसी को हम लोग लाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। नंबर वन जो है, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है, मेघालय स्टेट ऐसे एरिया है जहां पे हमारे एग्रीकल्चर का बहुत ह्यूज पोटेंशियल है, यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड का बहुत ह्यूज पोटेंशियल है, और मेरे ख्याल से अगर हम लोग सही तरीके से इसमें काम करें, हमारे टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन सही समय पे हो, फार्मर्स को अगर हम लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और पॉलिसी डिसीजंस हम लोग ने सही लिए, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हो सकता है और हम लोग एक पूरे देश के लिए और रीजन के लिए हम लोग एक वेजिटेबल और एक एग्रीकल्चर का हब बन सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात है टूरिज्म के लिए कि हालांकि टूरिज्म शॉर्ट टर्म में इसमें काफी इम्पैक्ट पड़ेगा हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, लेकिन अगर हम लोग मेघालय को और नॉर्थ ईस्ट को एक एक तरीके से सेफ टूरिस्ट जोन के तरीके में हम लोग इसको अगर मार्केट कर पाए और अगर हम लोग इसमें टूरिस्ट जो एक स्पेसिफिक सेफ्टी नॉर्म से वो आना चाहते हैं अगर उसको हम लोग अच्छी तरह पैकेज कर पाए तो मेरा मानना है कि हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। कि टूरिज्म लोगों को घूमना है, लोगों को जाना है, लेकिन लोग ऐसी जगह में जाना चाहेंगे जहां पे सेफ्टी हो, ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां पे ज्यादा क्राउड ना हो। बिल्कुल। तो क्या हम एज नॉर्थ ईस्ट और मेघालय स्टेट क्या हम ऐसा पैकेज और ऐसा टूरिज्म मार्केटिंग कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये हमारे सामने ये है चैलेंज है और अगर इसको ठीक से हम लोगों ने किया तो मेरे ख्याल से इसका एडवांटेज हम लोग ले सके। बिल्कुल सही कहा आपने और लगातार आपके राज्य सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए हैं उसका जिक्र भी आज तक की टीवी स्क्रीन पर, शिलांग को छोड़कर बाकी जिलों में गाड़ियों को आपकी ओर से मंजूरी दी गई, किस तरह से इस बारे में बड़ा फैसला लिया गया है, गारो खासी जनजातियों इलाकों में उद्योगों को इजाजत भी दे दी गई। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए चूंकि शहद जिसको चीन दूसरे अलग अलग देशों में जिसका निर्यात होता है आपकी वहां से, इसके अलावा हल्दी की बात करें तो मेघालय में जो हल्दी पाई जाती है कैंसर को ठीक करने की उसके अंदर क्षमता है, इस तरह की भी बहुत सारी चीजें हैं और आजकल काढ़ा के जरिए भी हम देख रहे हैं कि अपनी इम्यून सिस्टम को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है, तो इसको दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए किस तरह से प्लान आपने तैयार किया है ताकि आपको भी फायदा हो और दूसरे राज्य भी मेघालय से लाभ उठा सके? हाँ, ये जो आपने कहा वो सही बात है। अभी जो है क्योंकि जिस तरीके का सिचुएशन सब लोगों ने फेस किया, इम्यूनिटी का इशू और हर्बल मेडिसिन का जो है एक स्कोप जो है मेरे ख्याल से आगे बढ़ने वाला है। हिमालयन रीजन और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में इसकी बहुत क्षमता है और मेरे ख्याल से इसका अपॉर्चुनिटी हमें लेना चाहिए। जैसा अभी आपने कहा कि हमारा जो टर्मरिक है यहाँ पे, जो हल्दी यहाँ पे उगता है, उसमें बहुत ही हाई कर्क्यूमिन वैल्यू है, ऑलमोस्ट 8%। और ये कर्क्यूमिन वैल्यू जैसे आपने कहा इम्यूनिटी के लिए और अलग अलग मेडिकल उसके लिए जाना जाता है। हम लोगों ने इनफैक्ट इसके लिए 2 साल पहले ही काम शुरू किया और इसके प्रोडक्शन को हम लोगों ने 10 गुना ज्यादा बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक अलग से ये हल्दी जिसे हम लोग लकड़ों कहते हैं उसका एक मिशन हम लोग ने शुरू किया और इस मिशन के तहत हम लोगों ने फार्मर्स को सपोर्ट दिया। हमने अलग अलग कंपनीज लेके आके हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए काम शुरू किया है। तो मेरा मानना है कि उसका जो काम हमने 2 साल पहले शुरू किया उसका फायदा अब हमारे फार्मर्स को और स्टेट को शायद मिलेगा। मैं चाहूंगा कि हमारे स्टेट में सिर्फ हल्दी ना हो लेकिन अलग अलग जो हर्बल जो हमारे कल्चर में जो अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स है जो बहुत सालों से हमारे बुजुर्ग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे फॉर फादर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो नॉलेज पे भी निकलना चाहिए और उसका हमें फायदा उठाना चाहिए।